सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। अरे पेड़ हिल रहा ना यहाँ पे, ये करेले का झालर है, इससे पापा जी जा रखे हैं करेले निकालने के लिए। और आज पापा जी ने सुबह सुबह सिंचाई करी, मतलब कि खेत में हल लगाया, और अब धीरे धीरे स्टार्टिंग कर देंगे, सभी खेतों में हल लगा देंगे और उसके कुछ टाइम के बाद उनमें गेहूँ की बुआई करेंगे। तो ये हम कुछ करेले ले आए हैं, ये देखिए इनमें कैसे कांटे कांटे लगे हैं, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने ये इतने करेले निकाल दिए हैं, तो आज दिन में इन करेलों का साग बनेगा। अब साग ये है कि इनकी सब्जी भी बन जाती है और इसको भात खाने के लिए साग के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। आज जो है नए घर पे दो लोग आ रहे हैं काम करने वाले, एक तो जो दरवाजे फिटिंग करेंगे और एक पेंटर भाई, तो वो थोड़ी देर में आएंगे। और वो दरवाजे वाले आ चुके हैं, उनके लिए हमको अभी कील और वो चटकनी कब्जे ये सब चीज़ें ले आनी हैं। देखते हैं मंथन में मिल जाएंगी। वैसे तो मिस्त्री लोग तो लगे हैं काम पे, आज हो रही है खिड़की दरवाजे की फिटिंग और हमको बहुत सारा सामान लेना है। अचानक से ये काम हुआ तो हम पे कुछ सामान था नहीं, कुछ सामान हमने मनसुना से लिया और देखते हैं मनसुना में और सामान जो लेना है वो पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो फिर उखीमठ या फिर अगस्त्य मुनि से ले आएंगे। ऋषिकेश जाने में टाइम लगेगा, मैं सोचा तो ऋषिकेश से था, लेकिन अब ऐसे में गाड़ी का भी थोड़ा पंगा है, कम सामान में ऋषिकेश से लाना फिर वो महंगा पड़ जाता है, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम घर में पहुंचे तो माँ यहाँ पे लगी हुई है कोदे को कूटने पे। कुछ दिन पहले इसको पैरों से मसला था, उसमें से जो बीज निकल गए वो निकल गए, बाकी इसको सुखाने के लिए रखा था। अभी इसको डंडे से कूट रहे हैं, तो जब डंडे से अच्छे से कूट लेंगे तो सारे बीज निकल जाएंगे, तो इसको फिर छानेंगे और फिर चक्की में ले जाएंगे पीसने के लिए। अभी दिन के 3 बज रहे हैं और वैसे अभी मुझे उखीमठ जाना था, लेकिन अभी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आज है संडे और शायद संडे को मार्केट बंद होगा। और एक चीज़ होगी कि जो दरवाजे हमको चाहिए थे वो मनसुना में मिले नहीं, सिर्फ वहाँ पे दो ही दरवाजे थे जिस कलर के हमको चाहिए थे। और आपके साथ एक बात शेयर करनी है कि आजकल YouTube पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए अब डर भी लग रहा है। कि कुछ दिन पहले से कुछ न्यूज़ आ रही होगी, आपने भी सुना होगा कि 4 मिलियन वाला चैनल भी बंद हो गया YouTube पे, और एक के कुछ लाख या कुछ मिलियन में सब्सक्राइबर थे वो भी बंद हो गया है। मतलब थोड़ा सा जिसने कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करा वो सीधे चैनल बंद, सीधे टर्मिनेट, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें सुन के थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कभी अगर हमारे चैनल पे साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक बैकअप चैनल रखता हूँ अपने पास, भगवान न करे कभी अगर ऐसा दिन देखना पड़े तो कुछ तो रहेगा अपने पास, नहीं तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो आपका एक सुझाव चाहिए, सजेशन चाहिए कि क्या मुझे इस चैनल के साथ साथ एक दूसरा चैनल भी बनाना चाहिए। और मेरी सोच तो ये थी कि इस चैनल पे मैं सिर्फ कंटेंट लाऊं, अच्छा कंटेंट जो मतलब ट्रैवल से रिलेटेड, पहाड़ से रिलेटेड, महीने में 2 वीडियो आए पर अच्छी आए इस टाइप का कंटेंट, और दूसरा चैनल जो मेरे नाम से होगा आलोक राणा नाम से, तो उस पर मैं अपने डेली ब्लॉग्स जो मेरे चलते हैं रेगुलर, कि उनमें लोगों को ये ना लगे कि भाई तुम ये ना दिखा रहे, ये वो नहीं दिखा रहे। खुद मुझे ही लग रहा है आजकल की डेली ब्लॉग्स में ना क्वांटिटी तो आ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं आ पा रही है वीडियो की, मतलब अच्छा कंटेंट नहीं आ पा रहा है। तो आप सजेशन दीजिए क्या मुझे ये सब करना चाहिए। साथ साथ ये होगा कि एक बैकअप चैनल के रूप में रहेगा, कभी अगर कुछ गलती से अगर चैनल बंद भी होते हैं, एक चैनल बंद भी होता है तो दूसरा कम से कम बैकअप तो रहे अपने पास, नहीं तो हम यूट्यूब पर ही फुल डिपेंड हैं तो उसमें हमको दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। देखते हैं क्या होता है, आप अपने सजेशन दीजिए। तो दोस्तों आज के दिन का भी काम निपट चुका है और सनसेट भी हो चुका है, ऊपर ऊपर पहाड़ियों तक धूप चले गई है और जितने खिड़की दरवाजे फिट हुए वो कर दिए हैं, और
साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन आया था, उसका भी जवाब दे देता हूँ। नेहा चौधरी ने पूछा है कि आपका ये घर बन जाएगा, आप यहाँ रहने लग जाओगी, तो पुराने घर का क्या करोगी, क्या उसको छोड़ दोगे या वहाँ भी रहोगे। तो इसका जवाब मैंने शायद किसी वीडियो में दिया है एक बार, तो फिर भी दे देता हूँ कि हम इस घर में भी रहेंगे और उसमें भी रहेंगे जो इसमें हम अभी रहते हैं। बाकी ये घर हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे बरसात के टाइम पे, लेकिन अब बातें सिर्फ बोलने की हैं, ये जब नया घर बन जाएगा तो ज़्यादातर इसी में रहेंगे, लेकिन पुराने वाले घर को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें भी कोई कमी नहीं है, बस वहाँ पे बरसात के टाइम पे रहने के लिए नहीं होता है। और उसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हमने ये घर क्यों बनाया और ये सब चीज़ें कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं। बाकी अभी चलते हैं घर की ओर, और थोड़ी देर में ना दीपक बिष्ट भी आने वाला है मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लेके, तो देखते हैं उसको कितना टाइम लगता है, उसने आना है सामने वाले गांव से, रांसी गांव से। तो दोस्तों अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं और सामने का माहौल देखिए, ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है और सामने गुप्तकाशी मार्केट में काफ़ी चहल पहल बढ़ने लगी है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही यात्री लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी बात है, केदार घाटी में रौनक फिर से वापस आ गई है, तो यहाँ के लोगों का रोज़गार भी फिर से चालू हो जाएगा। अभी चारों ओर बिल्कुल अंधेरा है और मैंने हाथ पे टॉर्च ले ली है, मुझे जाना है ऊपर रोड में अपना मोटर ब्लॉगिंग सेटअप लेने दीपक बिष्ट के पास, जो मैंने दिया था 2 दिन पहले, और उसका अभी फ़ोन आया मुझे, इतनी बड़ी टॉर्च। अब पहाड़ों में पता डर किसका है, भालू का, रात का सीन। अब मेरे पास इतनी बड़ी टॉर्च तो है लेकिन डर तो लगता ही है भाई, और मेरे आसपास आप जैसे आवाज़ सुन पा रहे होंगे जो जंगली कीट पतंग हैं उनकी आजकल बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ये पहुंच चुके हैं हम रोड पे और इस साइड भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए, अरे आ गया दीपक बिष्ट। हेलो दगड़े, अरे भैया 220, अरे यार और अंजू कन कन है तुम्हें, बढ़िया आता है और बस बढ़िया बढ़िया, आज की मोर से रात में ये तरह का समय में निकले आए तो तुम खा नहीं है, नहीं खा तो फाइनली यहाँ पे आ चुका है दीपक बिष्ट और अंशु भाई दोनों, और मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मुझे मिल चुका है क्योंकि मुझे कल जाना है सुबह उखीमठ तक, तो मैंने सोचा कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बिना तो कैसे जा सकते हैं। तो दोनों भाइयों को मैंने बोला तो था कि हमारे यहाँ चलो आज यहीं रहते हैं, लेकिन इनको कुछ काम है इनको जाना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है, इतनी लेट में आए हम यहाँ पे, वैसे आजकल अंधेरा जल्दी हो रहा है ना, तो 7 बजे उजाला भी रहता है। तो कैसा रहा तुम्हारा श्रीनगर का सफर? श्रीनगर का सफर एकदम मस्त रहा, मस्त रहा। और वो क्या बोलते हैं, मोटो ब्लॉग बने कि नहीं बने? मोटो ब्लॉग बने हैं, वो आएंगे अब कुछ दिनों में आएंगे, थोड़ा पीछे चल रहे इसके ब्लॉग अभी। तो ठीक है फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो पहाड़ों में वैसे रात का सफर नहीं करना चाहिए, दीपक भाई उतनी दूर से आया मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप देने के लिए, बस दिन तक वो भी बिजी था, उसका भी मकान का काम लगा हुआ है। वैसे अभी ऊपर पे एक गाड़ी आई है उनके उधर गांव साइड की, तो अच्छी बात है उनको थोड़ा सहारा मिल जाएगा चलने में, वैसे बाइक में भी डर रहता है पहाड़ों में चलने में। तो ये सब सीन है भाई। हो आप पहुँचा मैं अपने घर पे, ये देखिए सामने कोई गाड़ी चल रही होगी इतनी रात को भी, चलो फिर चलते हैं।